हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस के बारे में आप सब जानते होंगे, बट इस साल कोविड की वजह से कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स आपके पास आने वाले हैं नहीं, बट फिर भी मैं टोटली बात करने वाला हूँ। सिर्फ इसके बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे, आप उसे खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और मुझे बताएंगे। अगर आपने इजीली कर लिया तो बहुत अच्छा, और उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शंस देखिए, बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ों पे बात करने वाली है। सबसे पहला चीज़ क्या है, रेशियो ऑफ अ लाइन। कोई एक लाइन जिसका लेंथ आपके पास गिवेन होगा, उसका रेशियोज आपको गिवेन होगा, जैसे 2:3, 5:8, 3:5, 2:7। इस तरह से इसको क्या करना है, इसमें डिवाइड करके आपको दिखाना। फिर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। कुछ ट्रायंगल की फॉर्मेट आपके पास गिवेन होगा, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, इसके बाद एक सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना होगा। उस ट्रायंगल की सिमिलर होनी चाहिए जिसका साइड्स गिवेन ट्रायंगल के साइड्स के कुछ रेशियोज के बराबर होगा, 1:2, 2:3, 3:5, इस तरह से कुछ बराबर होगा। टेंजेंट ऑन अ सर्कल, और सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, पेयर टेंजेंट ऑन अ सर्कल, ऐसे। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए वन बाय वन कि इसके बारे में बात करते हैं, रेशियो ऑफ ए लाइन। अगर लाइन का फिक्स्ड लेंथ गिवेन है और उसकी रेशियो गिवेन है, तो आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है कि कौन सी पॉइंट होगी जो गिवेन लाइन को गिवेन रेशियोज में डिवाइड करता होगा। सपोज कर लीजिए आपके पास AB = 8 cm गिवेन है, फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना है कि ड्रॉ अ पॉइंट ऑन AB सच दैट इट डिवाइड्स AB इनटू 3:5। अब क्या है कि AB पे एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट करना है, इस AB को 3:5 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं AB 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, सबको इस तरह से ये 8 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पे कोई एक अनदर पॉइंट होगा, जैसे आप P, C कुछ भी ले सकते हैं, वो पॉइंट कहाँ है, इस लाइन को 3:5 में डिवाइड कर रही है। अब इसे वो पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो चलिए बताते हैं। अब इस फाइंड करने के लिए इसके दो मेथड है, वी हैव टू मेथड, ओके। तो फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं, क्या करना है कि ए या बी किसी भी एक पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। आपको पता होगा फ्रेंड, एक्यूट एंगल होता है क्या, एक्यूट एंगल का मेजरमेंट होता है 0° से बड़ा होना चाहिए और 90° से छोटा होना चाहिए। अब देखिए इस एंगल का मेजरमेंट 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, तो एक्यूट एंगल। अब देखिए 3:5 में डिवाइड करना है, तो इन दोनों का सम कर दीजिए, 3 और 5 को कितना हो गया 8, तो 8 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। आप आर्क कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास काफ़ी स्पेस है तो 1.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, अगर आपके पास कम स्पेस है तो 1 सेंटीमीटर मिनिमम मार्क जरूर लेंगे, ताकि आपको मेजरमेंट एंगल वगैरह बनाने में आपको आसानी हो। तब इस तरह से 8 ले लेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने से ले लिया। आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, उस आर्क को चेंज नहीं करेंगे, फिर अगेन यहाँ रखेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, फिर इस तरह से ऐसे आप बनाते चले जाएंगे 8 टाइम। जब 3, 5, 8 हो जाएगा तो सेकेंड वाला एंड पॉइंट पे उसे मिला देंगे, आपको ऐसे मिला देना है। अपने से A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, इसके बाद एक एंगल बनाना है। तो आप एक एंगल ऐसा बनाइए, एक आर्क लेकर के आपने बनाया, उस सेम आर्क से कितना है 3 पे रख करके ऐसे बनाना है, तो 3 पे रख के आप बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसके पास इस एंगल को मेजरमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, आपके पास कंपास होगा, पेंसिल, अब इस तरह से रखेंगे, दोनों पैसे ज्वाइन करेंगे और सेम उसी आर्क से यहां से रख करके से मिला देंगे, और फिर यहां 3 से होते हुए इस लाइन से ड्रॉ कर देंगे, और ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल जाएंगे। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे सी डी कुछ, और ये सी ए बी को 3:5 में डिवाइड कर रही है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सपोज कर लेते हैं, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों होंगी, क्योंकि ये एंगल आपने इक्वल बनाया है,
ये corresponding angle equal है, तो lines की वैल्यू सी होती है, line parallel होती है, ये line parallel हो गई। इस तरह से आप concept कर लेंगे। अब देखना है कि ये वाकई 308 में है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि इन ट्रेंगल ए ए थ्री सी एंड ए ए ए बी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, बोथ कॉमन हो गया, तो एंगल ए ए थ्री सी इज इक्वल टू एंगल ए ए ए बी, क्योंकि हमने अभी खुद से बनाया है। अब जब दो एंगल किसी दो डिफरेंट एंगल में इक्वल होते हैं तो एंगल एंगल प्रॉपर्टीज से वो क्या होता है, दोनों ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, और जब ट्रेंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं। अब देखिए ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, एसी अपॉन सीबी, इट मींस एसी रेशियो सीबी इज इक्वल टू 3 रेशियो 5। ये 3 रेशियो 5 में डिवाइड करना था, उम्मीद है आप इसे बना लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो गिवन लेंथ होगा, एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करना है। अब जो रेशियो गिवन होगा उन दोनों को सम करके आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक आर्क लेना है उसे इक्वल 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 दोनों का सम के बराबर ड्रॉ करना है, सबसे एंड वाला से अनदर एंड पॉइंट को मिला देना है, मिलाने के बाद वहां पे एक आर्क लेकर एंगल बनाना है, उस सेम आर्क से ए थ्री पे, अगर ए थ्री होगा तो ए थ्री ए टेन रेशियो समथिंग होगा तो वहां पे रह करके ए थ्री पे रह करके बना दिया, फिर एंगल को मेजरमेंट किया, यहाँ मेजरमेंट करके इसको कट कर दिया, ए थ्री से होते हुए इसको मिला दिया, इस जिस पॉइंट पे मिलेगी वो पॉइंट इस ए बी को 3 रेशियो 5 में डिवाइड कर दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। चलिए अनदर पॉइंट पे बात करते हैं। आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे ए बी एटसेंटर, ओके एक्यूट एंगल बना दीजिए खुद से, इस एंगल को पहले क्या कर लीजिए आप मेजरमेंट कर लीजिए, सेम यहाँ सेम आर्क बनाइए, फिर एंगल से मेजर कीजिए, यहाँ से कट कीजिए, सेम बना दीजिए। अब ये दोनों आपस में क्या कैसे हो जाने चाहिए, पैरेलल, ये दोनों आपस में कैसे दिखेंगे, पैरेलल हो गए। अब एक तरफ याद कर देना आपको 3:8 था तो आपको इधर क्या बना देना है 5 था तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 सेम ये आर्क जो है सेम होना चाहिए। अब इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, अब ये 3:5 डिवाइड हो जाएगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स रिड्यूस किया गया है इस बार सिलेबस में, तो टेंजेंट ऑन अ सर्कल समझ लेते हैं। आपके पास एक सर्कल गिवन होगा, तो ये दो तीन तरह के बात करते हैं और दो टू एंड थ्री टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्या होगा कि आपके पास एक सर्कल रेडियस गिवन होगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर, आप 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, बोले ना कि सेंटर से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये 8 सेंटीमीटर कोई पॉइंट है, वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ओपी 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां से इस सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को केवल एक पॉइंट से टच होते हुए क्रॉस करती है। अगर टेंजेंट ऑन सर्कल पे बात करें तो और कोई भी वैसी लाइन जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच होकर के चली जाए उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं इस सर्कल के लिए। और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, ये दो चीजें हमेशा याद रखिए। तो यहां से मुझे इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, आप सबको आता होगा पहले से। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए एक आर्क लेते हैं जो इस लाइन के हाफ से मोर देन हाफ होती है, हाफ से ज्यादा होती है, तो आप अप्रोक्सीमेटली हाफ से ज्यादा लेकर के दोनों तरफ स्ट्रेच कर देंगे, फिर उसी को यहां से ऐसे कट कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। अब इस पॉइंट को एज ए सेंटर सपोज करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ओ और पी से जाएगा,
और ये जो सर्कल है इस स्मॉल सर्कल के जिस टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप इस बी से जोड़ेंगे, और इसे मैंने नाम दे दिया पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू एंड पी आर आर द टू पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल विथ रेडियस ऑफ फ्रॉम पी जिस 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इट सेंटर। ओके ये हो गया। अब इसे आप ये अपने इंटरसेक्ट किया इसे एक्स वाई दे दे सकते हैं, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसको वो दे दिया, वो का जिस वो तो ऑलरेडी था कुछ और लिख देते हैं एल लिख दिया और फिर आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आपको बनाना है मेनली यही है, हर बार आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इस सर्कल पे कोई ना कोई एक सर्कल बाहर से अच्छा ड्रॉ करना होगा जिसको इंटरसेक्ट करे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से बाहरी पॉइंट से ड्रॉइन कर देना है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाता है। चलिए अब दूसरे टाइप्स के देखते हैं। अब सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट है, आपने इनको ज्वाइन किया, ये कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। अब बताइए ए बी सी, ठीक है ओ ए बी सी, ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये जब 90 डिग्री है इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल सम ऑफ दिस ओ एंड बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वन सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये 90 और ये 90 कितना हो गया 180, 360 माइनस 180 इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। अच्छा अगर आप ओ से बी को ज्वाइन करते हैं, अब ये दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, क्यों ये दोनों का रेडियस इक्वल होता है पेयर ऑफ टेन। अच्छा आप देखते हैं ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं या फिर ये कॉमन हो गया, ओ बी दोनों में कॉमन, ये इक्वल हो गया एक 90 डिग्री। आर एच एस से दोनों क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो ए बी इज इक्वल टू सी बी हो गया। इट मीन्स क्या होता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं और ये जो एंगल है यहाँ आपस में इक्वल एंगल इंक्लाइंड करते हैं। ओके अब हमेशा दो चीज़ याद रखेंगे, सेंटर पे एंगल और बाहरी जहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ करना है उन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये बातें समझ में आ गई, चलिए आगे टॉपिक पर बात करते हैं। सपोज कर लीजिए लिखा हुआ है कि एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल 6 सेंटीमीटर का है, तो कॉन्सेंट्रिक किसको बोलते हैं जो सेम सेंटर से एक और सर्कल को ड्रॉ करना जाए तो उस सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। ये 3 सेंटीमीटर है सपोज कर लीजिए, एक 6 सेंटीमीटर इससे बाहर होगा ये 6 सेंटीमीटर, ओके सेम सेंटर। अब बताता है कि बाहर वाला सर्कल से इस छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप सपोज कर लेते हैं इसका नाम दे दिया पी, और पी इट मीन्स पी से मुझे इस स्मॉलर सर्कल पे क्या करना है एक टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो फिर इन दोनों को क्या करेंगे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे कट कर जाएगा उसे सेंटर सपोज करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और फिर जहाँ जहाँ कट करेगा इस सर्कल को ये वहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। उम्मीद है आप इस तरह से बनाएंगे, एक और अनदर टाइप्स के हैं जिसे अगली वीडियोज़ में आपको बताएंगे, लेकिन आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे बहुत आसान लगेगा। थैंक यू।